कुछ नहीं था भाभी। अरे आप जल्दी से घर जाइए, देखिए आज आप भारत के साथ ही घर के बाहर निकलेंगे। और शादी के पहले दूल्हा दुल्हन भी साथ में नहीं रह सकते, हम सब लेडीज अभी आकर बुलबुल भाभी को लेकर जाएंगे। हा? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मुझे शादी का बहुत टेंशन हो रहा है। ये देखो भरक पदुड़ेस, चुपचाप शादी करके आया तभी कुछ नहीं और अभी शादी का टेंशन हो रहा है। और नहीं तो क्या, पहले शादी शादी करके पूरे गोकुल धाम को सर पे उठा रखा था तो? और अब शादी हो रही है तो बुढ़बक को टेंशन हो रहा है। बोलो। हाँ पोपट भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? और पोपट लाल तुम्हें काय का टेंशन तो हमें होना चाहिए। नहीं मतलब तुम्हारी शादी की तैयारी जो करनी है हमें। सही बात है। नहीं वो क्या है, शादी के बाद मैं सब कैसे संभालूंगा ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ। पोपटलाल मैं तो कहता हूँ कि आज के दिन जितनी खुशियाँ मनानी है मना लो, एक बार संसार की बेड़ियों में जकड़ गए तो फिर उम्र भर तड़पना ही तड़पना है। उत्तम विचार है आपले। सांगता माधवी भापीला। अरे नहीं नहीं देख लो बाबा, सांगू लोग बाबा माफ कर बाबा, काय तरी काय तुम लोग क्या हंस रहे हो? तो निकलो भाई जल्दी जल्दी करो सब काम। निकलो निकलो जल्दी। आत्माराम वह घोड़ा तो 5,001 रुपए मांग रहा है। घोड़ा घोड़े वाला बोले घोड़ा खरीदना थोड़ी है भाई, कैंसिल करो भाई, घोड़े को कैंसिल कर। अरे भाई पोपटलाल, दूल्हे राजा की सवारी घोड़े पे ही निकलती है दोस्त। तो हाँ लेकिन अति भाई हमारी परंपरा में दूल्हा घोड़े पर नहीं बैठता। अरे भाई पोपटलाल तुम्हारी शादी हमारी परंपरा से होगी। हाँ यार भाई आप भी एक नंबर के ढीले हो, मुंह उठा के आ गए, 5,001 मांग रहे। अरे 5,001 मांगे 10,001 घोड़ा चाहिए मतलब चाहिए। कितने सालों के बाद आज पोपटलाल की शादी की इच्छा पूरी हो रही है। हाँ पोपट भाई घोड़े पे बैठो तो सही, बहुत मजा आएगा। और वो राजा महाराजा तो है नहीं कि बिना शादी के घोड़ सवारी करता फिरे। अरे उसके जीवन का ये पहला और आखिरी मौका है घोड़े पे बैठने का, इसलिए कुछ भी हो जाए घोड़ा चाहिए मतलब चाहिए, लेकर आइए। हाँ अय्यर भाई घोड़ा तो चाहिए। और मैंने भी कहा था ना घोड़ा चाहिए तो चाहिए। हाँ करते हैं कुछ। और पोपू वो तू कहाँ घूम रहा है? वो घर में आ गया, आराम कर, आज तेरी शादी है यार। मैं भी वही कह रही हूँ पोपट भाई, जल्दी जाइए ना घर पे। हाँ जाइए जाइए दूल्हे राजा, हम लोग आते हैं आपको तैयार करने के लिए, जाइए। शायद पोपट भाई फिर से सोच में पड़ गया। पोपट भाई क्या सोच रहे हैं? उसको लग रहा है कि शायद इस बार भी उसकी शादी होते होते रह जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भाई, इस बार तेरी शादी होके रहेगी। टप्पू सेना जाओ पोपट अंकल को घर पे छोड़ के आओ। क्या बुलबुल चाय बनाना सीख गई? अरे दामाद जी, अरे वहाँ कहाँ टहल रहे हैं, इधर आइए 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 बैठिए भाई। काहे चिंता कर रहे हैं, नीचे सब तैयारी सब ठीक हो रहा है ना? ठीक चल रही है अंकल, मेरा मतलब है पप्पा जी अच्छी चल रही है। नमस्कार। नमस्ते 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 नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सब यहाँ? हाँ पोपट भाई, हम यहाँ से किसी को ले जाने के लिए आए। किसे? अरे बुलबुल भाभी को, आज शादी के लिए वो हमारे घर से तैयार होकर आएंगे। लेकिन अभी तो बुलबुल के शादी का जोड़ा लेना भी बाकी है। अरे चिंता मत कीजिए, वो सब आ गया है। चलो चलो बुलबुल, और हाँ अब तुम पोपटलाल भाई को सीधे शादी में ही मिलोगी। ओके लेकिन हम अरे बुलबुल भाभी अब बिल्कुल शर्माइए मत, चलिए। वो क्या है, ये आपका ससुराल है और पोपट भाई की आज यहाँ से बारात निकलने वाली है, तो आपका मायका हुआ हमारा घर। तो चलिए मायके चलिए। हाँ चलो चलो। और वैसे भी आज से बुलबुल भाभी आप हमारे लेडीज क्लब की मेंबर हो, तो शर्माइए मत, चलिए। आप भी आइए ना।
चल घर। अरे नहीं नहीं, आप लोग पहले से इतनी तकलीफ ले रहे हैं। अरे अरे, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम सब पोपट भाई का परिवार ही है। आप निश्चिंत होके चलिए हमारे साथ। चलिए चलिए। अरे हाँ पोपट भाई, अभी थोड़ी देर में हम सब बहने आपको हल्दी का उपचंद लगाने के लिए आने वाले हैं, तो तैयार रहना। दूल्हे राजा। इन लोगों को मुझे हल्दी लगानी है और मैं इनको चूना लगा रहा हूँ। बबी, हल्दी का उपटन क्यों? पोपट पोपट भाई, भोड़ा तो भोड़ा। अरे शादी के पहले हल्दी का उपटन लगाने से दूल्हे राजा चकचका चमकने लगते हैं। नहीं चमकना है मुझे। क्यों? मेरा मतलब है, वो मुझे हल्दी से एलर्जी है। अगर हल्दी का उपटन लगेगा तो फिर पूरा दिन खुजली होती रहेगी, इसलिए। अरे नहीं नहीं, पोपट भाई को एलर्जी है तो फिर हल्दी की रस्म कैंसिल करते हैं। हाँ कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। पोपटलाल भाई, अब आप घर से बाहर कहीं मत जाइए। आपको अगर कोई भी चीज की जरूरत हो ना, आप हमें कह दीजिए। ओके? हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो चले, 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 चले। क्या अजीब कश्मकश है। राहुल बुलबुल से प्यार करता है, बुलबुल राहुल से प्यार करती है, मुझे बुलबुल से प्यार हो गया है। आज अगर राहुल टाइम पर नहीं पहुंचा तो बुलबुल मुझसे शादी करने को तैयार है, लेकिन मैं कैसे बुलबुल से शादी कर सकता हूँ, क्योंकि बुलबुल तो राहुल को प्यार करती है। ये भगवान, ये क्या कंफ्यूजन चल रहा अंकल। सब सब लगा देना, पर संभाल के गिरना मत। पोपट अंकल हमारे फेवरेट अंकल है, वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हम भी आपका बहुत ध्यान रखेंगे। ओहो, हाउ स्वीट। और बुलबुल आंटी, सोसाइटी में कोई भी आपको परेशान करे ना, टप्पू सेना को बोल देना। वाह वाह बेटा, बेटा अभी बाकी बातें बाद में करना, बुलबुल आंटी को तैयार करना है ना, तो हमें जल्दी। ओके ओके ओके, बाय 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 बाय। आइए बुलबुल बाबू, आइए आइए बबीता जी, आइए। आओ आओ बुलबुल जी, आइए आइए। कमल भाभी आइए, माधु भाभी आइए, रोशन भाभी आइए, अंजलि भाभी आइए आइए, समझी जी आइए। ओह चाचा जी नमस्ते। हम लोग अंदर बुलबुल भाभी को तैयार कर रहे हैं। आइए 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 आइए। बैठे बैठे बैठे, मम्मी जी बैठे, आराम से बैठे। समझी जी, शादी की तैयारियां एकदम जोरों से चल रही है, आपके मुहूर्त के हिसाब से शादी हो जाएगी। अरे आप लोगों का तैयारी तो बहुत जोर चल रहा है, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि ये हमारे दामाद जी इतना ढीले काहे लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं समझी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो हमारा डिब्बा इतना जोशीला है कि पूरी दुनिया हिला देता है, लेकिन क्या है, अभी एक दिन में शादी की सब तैयारियां होगी नहीं होगी वो सोच के थोड़ा खुद ही हिल गया होगा। है बराबर बाबूजी, बराबर। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे भी इतना हड़बड़ी में ना हमको दामाद जी का पूरा परिचय जानने का अवसर ही नहीं मिला। अच्छा है। अरे समझी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पोपट लाल आपकी बेटी को एकदम रानी की तरह रखेगा। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे दामाद जी को पीने का आदत तो नहीं है ना? हाँ है ना, रोज रात को चाहिए ही चाहिए, और सिर्फ दामाद जी को नहीं, गोकुल धाम का सभी मर्द रोज रात को पीते जी। क्या बोल रहे? सोडा सोडा बाबूजी, सोडा। अब्दुल की दुकान पे हम लोग सोडा पीने जाते हैं ना रोज रात को। अच्छा अच्छा सोडा, अरे हम तो पता नहीं कहाँ से कहाँ समझ गए थे। वो हमारा अब्दुल है ना, वो मसाला सोडा बहुत अच्छी बनाता है, एकदम A1।
लेकिन समझी जी, लड़की के पिता होने के नाते हम आपकी चिंता समझ सकते हैं, लेकिन आप हम पर विश्वास रखिए, आपकी बेटी दुखी नहीं होगी। अरे आप लोग हो तो फिर हमको किस बात का फिक्र? अरे आप लोगों को देखकर ही तो हम राजी हुए हैं, बताओ। हाँ, और हम तो हमारी बेटी की खबर आप ही के घर फोन करके पूछेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। आपको अपनी बेटी की जब भी जो भी खबर पूछनी हो आप बेझिझक फोन कीजिएगा, है? आप ऐसा समझना कि आपकी बेटी ससुराल में नहीं, अपने मायके में। अरे ये बापूजी क्या पोपटलाल की गारंटी पे गारंटी ले रहे हैं? अगर पोपटलाल और बुलबुल के बीच में न करे नारायण कुछ गड़बड़ हुई तो ये इलाहाबाद की बहु मंजिली इमारत तो हम पे ही आके गिरेगी ना। आप लोग शांति से यहाँ बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए, तब तक मैं और जेठिया नीचे देख के आते हैं शादी की तैयारी कैसे चल रही है। बाबूजी नहीं, 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 हम भी चलते हैं। देखिए समझी जी कैसी है तैयारी। बहुत सुंदर क्या बिल्ली मास्टर, बहुत जोरों से चल रही है तैयारियाँ। यस यस, थैंक यू थैंक यू। वाह वाह वाह, हमारी सोसाइटी में सब बहुत उत्साह है एकदम। आई आई आई, जोर शोर से हो रही है तैयारी। एक्सपर्ट हो गया अभी तू ये सब। शादी का शूटिंग का जिम्मेदारी मेरा। चलो वाह बहुत बढ़िया। तो भिड़े जरा भावताल नक्की कर ले। क्या बोल रहे तुम? अरे अपने पोपटलाल की शादी का शूटिंग के लिए मैं क्या पैसा लेगा? नहीं नहीं, बस ये नक्की हो गया ना भाई, भिड़े वो पैसा कुछ नहीं लेंगे। भाई मजाक बहुत हो गया, अभी जाके पोपटलाल को तैयार करना है कि नहीं करना है? हाँ हाँ, चलो चलो जाते हैं। अरे बापू जी, हम लोग पोपटलाल के घर पे जा रहे हैं उसको तैयार करने, आप आ रहे? नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुकता हूं। हां ठीक है बाबू, आइए आइए। क्या करूं दोस्त, वक्त सुपर फास्ट ट्रेन की तरह भाग रहा है, कुछ रास्ता दिखा? ये देखो पत्रकार जी अभी भी छाते से बात कर रहे हैं। छोड़ो छोड़ो छाता। अरे पोपटलाल भाई, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारी बीवी घर पे आने वाली है, अभी भी छाते से बात कर रहे हो? छोड़ दो छाते को। भिड़े भूल गए ना, ये सिर्फ एक छाता नहीं है, ये मेरे सुख दुख का साथी है, जीवन की हर धूप छांव मैंने इसके साथ काटी है। ये सब जानने के बावजूद भी आप लोग मुझे इसे छोड़ने को कह रहे? अरे हम लोग नहीं भाई, ये भिड़े भिड़े। आइए ये। अरे मैं तो गड़बड़ा भिड़े। ओ ए भाई, क्षमस्व, माफी असावी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी को ये सूचित करता हूँ कि हम पत्रकार पोपटलाल जी को अभी नहलाते हैं और उसके बाद शादी के लिए तैयार करते हैं। क्या नहलाते हैं, मैं खुद जाकर नहा लूंगा। पक्का? हाँ पक्का, मेहता साहब पक्का। अभी ठीक है, फिर ठीक है। अरे नहा लिए पोपटलाल? अरे हाथी भाई आप कब आए? आप जब नहा रहे थे तब मैं आया। आप? भाई आज इसकी शादी है ना। अरे भाई कितना टाइम लगा रहे हो नहाने में? वटेरे साजन तैयार थई गया, केवी शेरवानी लागे, नीचे मोजड़ी सरस लागे, माथे साफो पेरिले तैयार थई गया। वाह वाह वाह, मस्त मस्त तैयार किया नहीं हम लोगों ने? क्या बात है, वाह बहुत अच्छा। पोपटलाल सच में एक बात कहूँ, तुम शेरवानी में बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे तो उसमें कंप्लेंट क्या कर रहे? नहीं नहीं जेठालाल, असल में अय्यर भाई कंप्लेंट नहीं कर रहे, असल में अय्यर कंफ्यूज हो गया है कि शेरवानी अच्छी है पोपटलाल। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, आप क्या मजाक कर रहे हैं, मैं तो कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। पोपटलाल तुम शेरवानी में बहुत अच्छे लग रहे हो। सही बात है पोपटलाल, शेरवानी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा लेकिन पोपटलाल, अभी मेहरबानी करके शेरवानी के ऊपर अपनी वो पत्रकार वाली जैकेट मत पहनना भाई। हाँ चलो पोपटलाल, तुम्हारी एक तस्वीर खींचता हूँ। और एक और एक और। अरे भाई पोपटलाल की अकेले की तो फोटो खींचने दो। अरे भाई ऐसा बोलना है यार, तो बोल रहे एक और, मुझे लगा वो वाली अच्छी नहीं आई। हाँ चलो रेडी, वन टू।
पोपटलाल स्माइल तो करो। हाँ यार स्माइल स्माइल। रेडी एक दो साढ़े मारे। फोटो खींच गए बड़े मास्टर। चलो पोपटलाल तुम यहीं बैठो, हम लोग भी अपने घर तैयार होने जाते हैं। हाँ भाई हमको भी तैयार होना है। तो पोपटलाल अभी तुम तैयार हो गए हो, आराम से इधर बैठो, टप्पू सेना आएगी तुमको मंडप तक ले जाने के लिए, ठीक है? तब तक ना आराम से मजा करो, टीवी पे भी देखो, शांति से योगा बोगा करो कुछ एकदम। कुंवारेपन की आखिरी शाम। चलो चलो दया भाभी, बुलबुल भाभी को भी तैयार करना बाकी है। कुछ चाहिए तो बोल देना, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। अरे वाह टप्पू सेना रेडी हो तुम लोग? ओहो घोड़िया ये तो पहचान में नहीं आ रहा है। थैंक यू। अरे तुम लोग रेडी तो पोपट को लेके आओ ना। वो टप्पू और गोगी के वेट कर रहे हैं। हाँ तो वो आ जाएंगे पीछे पीछे, तुम लोग जाओ। ओके चल। पपड़ू चिंता मत कर, अभी पप्पू को उठा के लेके आता हूँ। ए भाई उठा के नहीं लाना है भाई, उसकी शादी है, आजा। मैं तो मजाक कर रहा था यार। तो चलो चलो बच्चो पप्पू को लेके आते हैं। एक बार और राहुल को फोन ट्राई करता हूँ। टप्पू जल्दी आना, टप्पू मर गए, आ गए ये लोग। अब पप्पू मेरे यार क्या सोच रहा है, और चल नीचे सतरा इंतजार कर रहे हो। पोपट अंकल आपकी बारात निकालने का वक्त हो गया है, चलो जल्दी। ए माधवी ए सगे यहाँ के लिए पोपट अंकल आए। वाह वाह क्या बात, प्यारा पोपट भाई को किसी की नजर ना लगे। आज तो हम शादी का डबल मजा लेंगे, क्योंकि हम लड़की वाले भी हैं और लड़के वाले भी। हाँ मम्मी जी। अरे लेकिन मजा तो तब लेंगे ना जब भाई बारात निकलेगी, और बारात कब निकलेगी पोपटलाल जी, जब आप घोड़े पे बैठेंगे। जरा जल्दी कीजिए, घोड़े को और भी बारातों में जाना होगा भाई। उससे पहले मुझे बुलबुल से मिलना है। असल में दया भाभी मेरे गुरु ने कहा है कि पोपटलाल जब भी तुम्हारी शादी हो तो मंडप में जाने से पहले मेरा दिया हुआ गुरु मंत्र अपनी होने वाली दुल्हन के कान में फूंक देना। ठीक है दामाद जी, मिलाइए। बुलबुल बुलबुल बुलबुल, ये राहुल का कोई अता पता नहीं है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। अगर वो नहीं आया तो हमारी शादी हो जाएगी। पत्रकार जी शायद यही भोलेनाथ जी की इच्छा है। समझने की कोशिश करो, तुम मुझे जानते ही कितना हो। हमने आपको जान लिया है, इन दो दिनों में आपको जितना जाना है उतना काफी है हमारे लिए। जो इंसान एक अनजान लड़की की इतनी मदद करके भी उस पर कोई हक ना जता है, उसके बारे में हमें और कुछ नहीं जानना पत्रकार जी। बस अब आपकी और हमारी जिंदगी का रास्ता एक ही है। बिल्कुल तुम भावुक होकर मुझसे शादी करने का फैसला कर रही हो, लेकिन तुम प्यार राहुल से करती हो। देखो अभी भी सोच लो, तुम आग से खेल रही हो। नहीं पत्रकार जी, शायद अब यही हमारी किस्मत है। हे भगवान क्या सिचुएशन है, इसमें खुश हो या दुखी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पोपटलाल पोपटलाल
जी जाइए, सब दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं। मैं भी तो दूल्हे का इंतजार कर रहा हूँ। अरे क्या आराम से भाई, पोपटलाल उधर घोड़ा इंतजार कर रहा है, तुम वो इतना टाइम लगा रहे हो, चलो भाई चलो। यजमान जी, कन्या को मंडप में लेके आइए, विधि शुरू करनी है, समय बीता जा रहा है। पोपट भाई, हम सब बहने आपकी दुल्हन को लेकर आ रहे हैं। समय समय बीता जा रहा है। वाह वाह। कहाँ जा रहे हो? वो जरा ओ अच्छा अच्छा यहाँ क्या कर रहे है? जा जाके मंडप में जाके बैठ। बुलबुल भाभी आइए, डोली में बैठिए, मस्त सजाइए। भाभी डोली में, मंडप तो यहीं पे। हाँ बुलबुल डोली में बैठेगी, अलग डोली उठा के ऐसे घूमेंगे, इतने में मंडप आ जाएगा। नहीं नहीं पापा, पूरी सोसाइटी का चक्कर लगाते हैं। वसूली वसूली पैसा वसूली, चलो। गौरी नारायणी नमस्ते, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलिकाक्ष मंगलाय तनोहरे। हमारे किटी पार्टी में एक और मेंबर पड़ गया।
देखो भाई, पोपटलाल अभी तक शादी के लिए विलाप करता था, अब विलाप की जगह मिलाप हो गया। अय्यर भाई तैयार है ना आप? अभी वो फेरे लेंगे, वो मैंने वो छुटना नहीं चाहिए, उसका शूटिंग खास करना। हाँ भेड़ा लाल, मेरे को मालूम है क्या करना है। हाँ है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। इस हार में पोपटलाल की जीत है। अभिनंदन। चाचा जी, पोपटलाल का सदियों का सपना पूरा हो गया। गॉड ब्लेस। डिब्बे को डिब्बी मिल गई। सही बात है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। यात्री भवनेत्व लक्ष्मी पापात्मनां कृतदया महदेशु बुद्धि। स्वस्ति न इंद्रो रजस्वा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न तारक्षो हरिष्टनेमि स्वतिनो। ये विवाह संपन्न हुआ। संकेत घोड़ा नाल जेठालाल। घोड़ा नहीं, पोपट पोपट। जीते रहो जीते रहो, हमेशा खुश रहो। है बुलबुल, तुम्हारा कोई भाई है? नहीं। तो फिर पोपटलाल, तुम्हें आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी खुश खुशहाल बीतेगी। टपकी पापा, आपका कहने का मतलब क्या है? ओहो, तू बाजू में ही खड़ी है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपना वो वो हर साला सुंदर की तरह समझदार, विवेक की और आज्ञाकारी नहीं होता ना। फिर भी मैं कुछ समझी नहीं। तो भाई तो आशीर्वाद देना, सब रुके हुए बेचारे, रुके हुए, उनको जाना है आगे। सॉरी, आप दोनों की जिंदगी गरबा की तरह झूमती रहे, नाचती रहे, आप दोनों की जुगल जोड़ी सलामत रहे। आशीर्वाद आशीर्वाद, हमेशा जीवन में हंसते रहो। मुबारक हो पोपट भाई, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। Congratulations! और आप दोनों के जीवन में प्यार की कभी कमी ना हो, और सात जन्मों का साथ बना रहे।
ये राहुल है, बुलबुल का असली दूल्हा और आपका असली दामाद। मैं राइटर हूँ, मैं फाइटर थोड़ी हूँ भाई। आप तमाशा ही सब। नहीं, हमारी शादी सिर्फ एक नाटक था। नाटक? पर ये सब नाटक का है? जब तुम राहुल से शादी करना चाहती थी तो फिर हमको काहे कहा ये पोपटलाल तुम्हारा पति है? असल में आप बुलबुल की शादी अपनी पसंद के लड़के से करना चाहते थे, इसलिए वो भागकर मुंबई आ गई। पर यहाँ भी आपकी पावर उसका पीछा कर रही थी। पुलिस बुलबुल को ढूंढ रही थी। इस लड़की को देखा? और हालात की मारी बुलबुल बिचारी के पास आपके गलत पसंद के लड़के से शादी से बचने का एक ही रास्ता था, राहुल के आने तक किसी से शादी का नाटक। कुछ मत कहिए प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज, इस वक्त हमारे पति बन जाइए। देखिए ना मत कहिए, हमें आपके हेल्प की बहुत जरूरत है। और तभी भोलेनाथ ने मुझे निमित्त बनाया बुलबुल की मदद करने के लिए। मैं और बुलबुल पति पत्नी बनकर सभी से ये बात छुपा कर गोकुलधाम में मेरे घर आए। मैंने सभी से बुलबुल को बड़ी मुश्किल से छुपा कर रखा। क्या करती हो तुम? कितनी आवाज आ रही थी घर से, पता है कितनी मुश्किल से लोगों को समझाया मैंने। फिर सभी को पता चल गया। क्या हुआ? बुलबुल को बाहर निकालो। और उसी वक्त आप भी आ गए। आपने हमारी शानदार तरीके से शादी का ऐलान कर दिया। हम कल ही इस गोकुल धाम में अपनी बिटिया बुलबुल और श्रीमान पोपटलाल जी का ब्याह धूमधाम से करेंगे। मैं और बुलबुल फिर भोलेनाथ के मंदिर गए और तभी बुलबुल ने मुझे सच बताया। सच्चाई यही है कि हम राहुल नाम के एक लड़के से प्यार करते हैं। तभी कुछ पल के लिए मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। मैं खुद के पैरों पर खड़ा नहीं रह पाया। कल हम आपसे सच्चे दिल से शादी करना चाहते हैं। दो ही पल में मुझे एहसास हो गया कि बुलबुल ने जो किया उसमें दोष बुलबुल का नहीं, हालात का है, आपकी गलत सोच का है। सारी सच्चाई जानने के बाद मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ? राहुल के बारे में तो सोचो, उसका क्या होगा? अरे पगली, जीवन में सच्चा प्यार एक ही बार होता है। पर तभी मैंने फैसला किया कि बुलबुल की शादी उसके प्यारे राहुल से कर लेता हूँ। और इसमें हमें भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया और राहुल और बुलबुल की शादी होगी। थैंक यू पत्रकार जी, हमने तो जानबूझ के आपका दिल तोड़ा, आपके साथ शादी का नाटक किया, फिर भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आज अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो शायद राहुल हमारे साथ नहीं होता। थैंक यू। ये सब सरासर झूठ है, हम इस शादी को नहीं मानते, ये सब जरूर एक नाटक होगा। नहीं बलदेव जी, ये नाटक नहीं है, असली शादी है। ये सारे असली बाराती है, असली मंडप है, पंडित जी ने असली रीति रिवाज और मंत्रों से आपकी बेटी बुलबुल और राहुल की शादी कराई है। और असली कैमरा से अय्यर भाई ने असली वीडियो शूटिंग किया है। हाँ, ये पूरा शूट किया मैंने। ये 100% असली शादी है, नाटक नहीं है। ये नाटक ही है, हम इस शादी को नहीं मानते। क्यों नहीं मानता? अरे भाई, तूने पहले ही अपनी बेटी की इच्छा जानने की कोशिश की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। भाई बलदेव, अब तो शादी भी हो गई और तूने अपनी बेटी का कन्यादान भी कर दिया और दामाद को आशीर्वाद भी दे दिए, अब तो तुझे इस शादी का स्वीकार करना ही होगा। और बलदेव जी,
एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि कोई बेटी अपने माँ बाप के खिलाफ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती। बुलबुल ने भी ये कदम मजबूरी में उठाया है, अपनी इच्छा से नहीं उठाया। तो बताइए इसका जिम्मेदार कौन है, वो या आप? भाई बलदेव, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो वो हमारी उंगली पकड़ कर चलते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें उनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, हमें उनके साथ चलना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी मर्जी के हिसाब से ही जिए। वाह वाह बापू जी वाह। हम अपने बच्चों से ज्यादा आशा रखते हैं और उसी वजह से हम जिद्दी और स्वार्थी हो जाते हैं, फिर ना हम अपना और ना ही अपने बच्चों का भला बुरा समझ पाते हैं। हाँ करेक्ट है बलदेव जी, दरअसल आपको इन दोनों के विचारों को समझना चाहिए। शक्य असेल तर देखिए बलदेव जी, एक चीज हमें समझनी चाहिए कि हम लोग क्यों ये जात पात, ऊंची नीची बिरादरी, अमीरी गरीबी में उलझे रहते हैं। अगर दो लोगों को जिंदगी साथ काटनी है तो दिल मिलने चाहिए, दिल मिलते हैं तो प्यार से सारी जिंदगी कट जाती है। अरे राजनीति में जोड़ तोड़ होती है, वहां मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है, वहां स्वार्थ के कारण लोग मिलते हैं और जुड़ते हैं, दिल स्वार्थ के कारण नहीं मिलते बलदेव जी। और ये चीज हमें समझनी चाहिए कि इन लोगों का दिल मिला है। बिल्कुल बिल्कुल मेहता, क्या बुलबुल की खुशी में आपकी खुशी नहीं है? पापा, मम्मी सॉरी, हमें झूठ बोलना पड़ा, पर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें अपना लीजिए ना। अंकल जी, मैं बुलबुल से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं नौकरी छोड़कर आया, मैं हर घड़ी हर दम आपकी बेटी को खुश रखूंगा, ये वादा है मेरा। भाई बलदेव, शादी से पहले तूने क्या कहा था मुझे? शायद विधाता ने बुलबुल के लिए इन्हें ही पति चुना था। मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि मैं उस विधाता के लेख को बदलने चला। कहा था ना तूने, तो फिर? अरे बेटी की खुशी के लिए इतना नहीं सोचते। हाँ बोल ले। बलदेव जी सोच क्या रहे हैं? हाँ बोल दीजिए। हाँ बोल दीजिए ना। हाँ बलदेव जी प्लीज, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं। अरे हाँ बोल दे, सोच मत। बुलबुल बेटा, हमको माफ कर दो, हम समाज में अपना नाक ऊंचा रखने की खातिर तुम्हारा रिश्ता अपनी हैसियत के बराबरी वाले लड़के से तय किए थे, अपना आन बान और झूठा इज्जत के खातिर तुम्हारी खुशियों को बलि पर चढ़ा रहे थे। हम भूल गए थे बेटा कि बेटियां पराया धन होती है, हमें भूल गए थे बेटा कि हम तुम्हारे पिता भी हैं, पालक भी हैं, और पालक जब मालिक बनने का प्रयास करता है तो रिश्तों में कड़वाहट आ ही जाती, चाहे रिश्ता बाप और बेटी का काहे ना। हम गलत थे बेटा, गलत थे, हमें माफ कर दो बेटा। क्या बात, वाह बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देव पावला, देव पावला, देव नहीं बलदेव पावला।
राहुल राहुल कांग्रेचुलेशंस। गले मिलो भाई। मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस बुलबुल। थैंक यू पताका जी। और आप लोग क्या कहें, आप लोग तो हमको हमारा औकात दिखा दी। हम इतना जल्दी थैंक यू नहीं कहते हैं किसी को, लेकिन आप लोगों को जरूर कहेंगे। आप लोगों ने हमारा आंखें खोल, आप सब लोगों को थैंक यू है जी। और चाचा चंपक लाल जी, अद्भुत हैं आप तो एक पत्थर को भगवान बना सकते हैं। आपके कारण ही हमको अपने बाप होने की जिम्मेदारी का एहसास हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद है आप। और पोपटलाल जी, आपने हमारी बुटिया के जिंदगी में जो खुशियां लाए हैं ना, वो एहसान का बदला अगर हम चाहे ना तो जिंदगी भर में नहीं चुका सकते। अरे हमारी जीत के कारण हमारी बुलबुल घर छोड़ करके भाग गई थी यहाँ मुंबई में, अनजान लोग, बेगाना शहर, और आप बुलबुल की जिंदगी में भगवान बन करके प्रकट हुए। आप ही के कारण आज हमारी बुलबुल की खुशियां लौटी है। और हम कितने बड़े मूर्ख कि मैंने आप जैसे देवता समान आदमी के ऊपर पिस्तौल दाग दी। मुझे माफ। अरे 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 नहीं नहीं बलदेव जी, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए। अरे, अरे, अरे नहीं 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 बलदेव जी, क्या क्या कह रहे हैं आप ये। वैसे पोपटलाल, एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि ये दूल्हे की अदला बदली कब और कैसे होगी। हाँ ये बताओ भाई। That's the main point. बताता हूँ। तो जब आप लोगों ने मुझे मंडप में बिठाया ना, उसी वक्त मुझे राहुल का फोन आया। तो फिर मैंने वो नाटक किया। पोपटलाल, हाँ जा रहे हो? वो जरा, और हाथी भाई के घर जाकर मैंने अब्दुल को फोन किया, अब्दुल को सारी बातें बताई, और फिर उसने टप्पू सेना की मदद ली। फिर मुझे एक आइडिया है, अब्दुल और टप्पू सेना। और टप्पू ने अपना दिमाग लगाया, बुलबुल आंटी को डोली में बिठाकर पूरी सोसाइटी का चक्कर लगाया और इतने पटाखे जलाए कि धुआं धुआं हो गया। अच्छा, और तभी जब मुझे चटका लगा था, सबका ध्यान मेरी तरफ गया था और हमारा काम आसान हो गया। फिर मैं भीड़े की विंग से होते हुए टेरेस पर गया और टेरेस से होते हुए अपने घर पर गया। आ जाओ राहुल। सुनो भाई, टाइम बहुत कम है, हमें फटाफट तैयार होना पड़ेगा। चलो जी। चलो राहुल जल्दी चलो भाई। आ जाओ राहुल आ जाओ। अब सुनो, यहाँ से ऊपर टेरेस पर जाओ और भागते हुए जो लास्ट विंग है ना, वहां से उतरकर चुपचाप मंडप में बैठ जाना। ओके, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे हाँ सुनो, ये छाता लेकर जाओ, मैं मंडप में छाते के साथ बैठा था। आप थैंक यू। अरे अरे ये क्या करो मेरे भाई, ये क्या कर रहे हो? गले मिलो। ऑल द बेस्ट दोस्त। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। और इस तरह राहुल और बुलबुल की शादी हो गई। अरे भाई तुम्हें पत्रकार नहीं, तुम्हें तो मतलब क्या क्या होना चाहिए भाई, टेरेस वेरेस कूद गए हैं पोपटलाल। हम लोग पोपट भाई की शादी की इतनी तैयारियां कर रहे थे और पोपट भाई को पता था कि उनकी शादी नहीं होने वाली है, फिर भी उन्होंने ये बात हम सब लोगों से छुपा के रखी, तब उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। पोपट भाई सच में ऐसे हीरो तो सिर्फ फिल्म में देखे हैं। हाँ पत्रकार जी, इन तीन दिनों में हमारे हर एक सास ने बस यही कहा है कि आप इंसान नहीं, देवता है देवता। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे देवता मत बनाओ, इंसान ही रहने दो। मैंने कोई देवता वाला काम नहीं किया, दो दिलों को मिलाना मेरा फर्ज है कि नहीं।
अरे आप सब लोग इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? रुलाएंगे क्या? वाह, दैट्स द स्पिरिट, क्या बात। पोपटलाल थोड़ा रोना है तो रो लो, मन हल्का हो जाएगा, रो लो थोड़ा। अरे क्यों रो? ये तो खुशी का मौका है, हमारी सोसाइटी में शादी हुई है। भाई राहुल, भला दूल्हा बदल गया हो लेकिन हम आशीर्वाद दे चुके हैं तो आशीर्वाद तो वही रहेंगे भाई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खाली सोसाइटी का मेंटेनेंस तुम्हें भरना नहीं होगा। आप सबने मिलकर इतने हंसी खुशी से हमारी बुलबुल बिटिया की शादी कराई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मम्मी जी क्या बात कर रहे हैं। हाँ दया भाभी, आप सबको भी थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। थैंक यू वेरी मच, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन टप्पू सेना को भूलना नहीं। हाँ। हाँ। कभी नहीं भूलूंगी। पत्रकार जी, फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच, आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया। वो भाई राहुल, ध्यान रखना बुलबुल का, नहीं तो हांगकांग आकर तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। जरूर जरूर पत्रकार जी। और हाँ बुलबुल बेटा, तुम्हारी विदाई गोकुलधाम से हो रही है तो गोकुलधाम तुम्हारा पहला मायका हुआ, अपने मायके आते रहना। अच्छा तो अब हमें आज्ञा दीजिए। अच्छा पत्रकार जी, अब हम चलते। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। पप्पू, तेरा दिल बहुत बड़ा है यार। सही बात है पोपटलाल, तुमने दो दिलों को मिला के बहुत नेक काम किया। Hats off to you, my friend. हाँ पोपट भाई, हम सबको आप पे गर्व है। We are proud of you. Really, पोपट अंकल ग्रेट है। पोपट भाई सच में आज आपने बहुत पुण्य का काम किया है, देखना भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। हाँ भले दो चार साल लगेंगे पर ऊपर वाला सुनेगा। दो चार क्या, भले ना 10-20 साल लगे, उसको क्या जल्दी। हाँ। वो भाई जेठालाल क्या बोल रहा है, अभी उम्र ही काम हुई है। हाँ ये भी है। अरे आप सब पोपट भाई का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? पोपट भाई वेरी सॉरी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ। अरे असली भाभी उसमें सॉरी क्या, भले आज मेरा संसार ना बसाओ लेकिन राहुल और बुलबुल का तो बसा है ना, और रही मेरी बात तो आज नहीं तो कल मेरा संसार भी बस ही जाएगा। मुझे भोलेनाथ और आप सब पर पूरा भरोसा है कि आप सब जल्द से जल्द मेरी शादी करवाएंगे, करवाएंगे ना? ओ, मंजू का है पोपट भाई। हाँ, हाँ, पोपट भाई बहुत जल्द करवाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो आप सबकी दुनिया हिला दूंगा मैं। अरे चलिए चलता हूँ, तो कल सुबह से वापस मैरिज ब्यूरो के चक्कर लगाने पड़ेंगे ना। चलिए बाबू जी सुबह आए गए ये मैरिज ब्यूरो में जाने के लिए। ओके बाय, चलो गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, बाय बाय।